दुनिया में कई ऐसे असाधारण घर हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि लोग वास्तव में उनमें रहते हैं। नीदरलैंड्स के गोलाकार घरों से लेकर कंबोडिया के तैरते गांव तक, ये घर हमें दुनिया भर के लोगों की क्रिएटिविटी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की उनकी क्षमता को दिखाते हैं। तो चलिए इन अनोखे घरों की अनोखे तथ्यों को जानते हैं। केतेकेसु विलेज, तराजा इंडोनेशिया में मौजूद केतेकेसु गांव को एक लिविंग म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। यहां के घर 400 साल से भी अधिक पुराने हैं और ये तोंकिन शैली में बने हुए हैं। इन घरों की छतें नाव जैसी विशाल होती हैं। इन घरों के अंदर की जगह को सामूहिक रूप से आराम करने और धार्मिक समारोहों के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा घरों के बाहर भैंसों के सिंह लटके होते हैं जो यहां रहने वाले परिवारों की समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। क्लिफ विलेज, सिचुआन चीन में एटुलायार गांव 800 मीटर ऊंची चट्टान पर मौजूद है। इस गांव के लोग एक खतरनाक स्काई लैडर्स पर चढ़कर अपने डेली रूटीन का काम करते हैं। पहले यहां के बच्चों को स्कूल जाने के लिए इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन जब इन सीढ़ियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सरकार ने यहां पर 3 किलोमीटर लंबी स्टील की सीढ़ी बना दी ताकि यहां के लोगों के लिए चढ़ाई सेफ हो सके। हालांकि कुछ परिवार इस खतरनाक जगह से दूर चले गए हैं, लेकिन कई लोग यहीं रहकर टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। मकोको स्लम, नाइजीरिया के मकोको में तैरता हुआ स्लम है जहां लकड़ी के घर पानी पर बने हुए हैं। यहां लगभग 2 लाख लोग रहते हैं और उनकी लाइफ सिचुएशंस बहुत कठिन है। सरकारी सहायता की कमी के कारण यहां कचरा, बीमारियां और बाढ़ की समस्या है। फिर भी मकोको के लोग कम्युनिटी स्पिरिट के साथ रहते हैं और बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं। पर्पल आइलैंड, दोस्तों बनवल और बख्शी आइलैंड्स को पर्पल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर हर चीज बैंगनी रंग की होती है। साल 2015 में ये बदलाव शुरू हुआ ताकि यहां ज्यादा टूरिस्ट आए। इस आइलैंड पर नेचुरली लैवेंडर के फूल उगते हैं जिससे इंस्पायर होकर लोगों ने अपने घरों, दुकानों और यहां तक कि पुलों को भी बैंगनी रंग में रंग दिया। यहां के लोग बैंगनी कपड़े पहनते हैं और बैंगनी चावल खाते हैं। वैसे जो लोग बैंगनी रंग पसंद करते हैं उनके लिए ये जगह सपनों का आइलैंड है। एयरप्लेन होम, दोस्तों ब्रूस कैम्बल नाम के एक अमरीकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक पुराने बोइंग 727 हवाई जहाज को घर में बदल दिया है। उन्होंने एक अनोखा घर बनाने का सपना देखा और इस हवाई जहाज को घर में बदलने का फैसला किया। इस हवाई जहाज में सभी बेसिक फैसिलिटीज मौजूद हैं और ब्रूस ने इसके कई बेसिक फीचर्स को भी बरकरार रखा है। ये घर देखने में जितना अद्भुत लगता है, रहने में भी उतना ही अनोखा अनुभव देता है। स्फेरिकल हाउसेस, नीदरलैंड्स के साधारण इलाके में बालविनिंगन नाम का एक गांव है जहां घर गोलाकार होते हैं। ये घर साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखते हैं। ये गोलाकार घरों में 3 फ्लोर्स हैं। सबसे निचली फ्लोर पर सोने के लिए कमरे हैं, वहीं बीच की फ्लोर पर बाथरूम और सबसे ऊपर रहने का कमरा है। ये घर देखने में बहुत मॉडर्न लगते हैं लेकिन साइज में छोटे और महंगे हैं। यहाँ के लोग घर के बाहर के खूबसूरत नजारे और शांत माहौल का आनंद लेते हैं। द नैरो हाउस, आर्टिस्ट अर्विन वॉर्म ने दुनिया के सबसे पतले घरों में से एक का निर्माण किया। ये घर 7 मीटर ऊंचा, 15 मीटर लंबा और सिर्फ 1.3 मीटर चौड़ा है। इसका आकार बहुत छोटा है लेकिन इसमें सोने, नहाने और रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोग इतने तंग जगह में असहज महसूस करते हैं, लेकिन ये घर अनोखी डिजाइन का एक अद्भुत उदाहरण है। अंडरग्राउंड होम्स, ऑस्ट्रेलिया के कुबर पेडी नाम के शहर में अंडरग्राउंड घर बहुत फेमस हैं। ये जगह कभी समुन्दर के नीचे हुआ करती थी लेकिन आज ये एक रेगिस्तान है जहां का मौसम बहुत ही हार्श होता है। इसलिए यहां के लोगों ने अपने घरों को
जमीन के नीचे बनाना शुरू किया। ये घर रेत और मिट्टी से बने होते हैं जो इन्हें गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखते हैं। इन घरों का तापमान हमेशा लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन घरों की अनोखी बनावट के कारण ये जगह बहुत मशहूर हो गई है और फ्यूचर में ये घर दूसरे ग्रहों पर रहने के लिए एक मॉडल भी बन सकते हैं। मेरा क्यूब। दोस्तों, मेरा क्यूब एक ऐसा होटल है जो जंगल के बीच छिपा है। इस होटल की दीवारें आईने की तरह होती हैं जो पेड़ों को रिफ्लेक्ट करके इसे प्रकृति में घुलने मिलने वाला बनाती हैं। यह होटल छोटा है लेकिन इसमें सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। रात में इसके अंदर की रोशनी इसे जादुई रूप देती है। जी हाँ, मेरा क्यूब में रहना एक अनोखा अनुभव होता है। लास वेगास टनल्स। लास वेगास के चमकदार शहर के नीचे एक अंधेरी और छिपी हुई दुनिया है। यहाँ के तूफानी ड्रेनेज टनल्स में लगभग 2000 बेघर लोग रहते हैं। इन सुरंगों को मूल रूप से बाढ़ से सुरक्षा के लिए बनाया गया था लेकिन अब ये लोग इन सुरंगों को अपना घर बना चुके हैं। इन लोगों को मोल पीपल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की हालत बहुत ही मुश्किल और खतरनाक होती है जहाँ बाढ़ और क्राइम का खतरा हमेशा बना रहता है। कुछ वॉलंटियर ग्रुप समय समय पर इन सुरंगों में जाकर इन लोगों को खाना और सहायता प्रदान करते हैं। पोंटे वेचियो ब्रिज। पोंटे वेचियो ब्रिज इटली के फ्लोरेंस शहर में मौजूद है। ये एक ऐतिहासिक पैदल पुल है जो मध्य युग में बना था। शुरुआत में इस पुल पर मांस की दुकानें होती थी लेकिन बाद में इन्हें ज्वेलरी की दुकानों में बदल दिया गया। ये पुल आज एक फेमस टूरिस्ट जगह बन चुका है जहां से शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। कासा डे पिनेडो। दोस्तों, कासा डे पिनेडो, जिसे अक्सर फ्लिंटस्टोन्स हाउस कहा जाता है, चार बड़े ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। अंदर ये पूरी तरह से अच्छा खासा है लेकिन यहाँ मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट नहीं है क्योंकि इसके मालिक ने एक साधारण जीवन जीने का सपना देखा था। वैसे पहले तो इसे फैमिली हॉलिडे घर के रूप में बनाया गया था लेकिन अब ये एक म्यूजियम बन चुका है जो दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। पिरामिड बिल्डिंग्स। वीडियो में आगे बढ़े तो चीन में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना है जो एशियाई सीढ़ीदार खेतों से इंस्पायर होकर पिरामिड आकार का है। इस अनोखी डिजाइन में बिल्डिंग्स लेगो ब्लॉक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। इस डिजाइन से यहाँ के युवाओं के पार्कर गेम की बढ़ती लोकप्रियता को भी ध्यान में रखा गया है। हालांकि इस डिजाइन से कॉन्फिडेंशियलिटी की समस्या है क्योंकि ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग आसानी से निचले मंजिलों के घरों में झांक सकते हैं। टुवालु। दोस्तों, टुवालु दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है जो समुन्दर के बढ़ते स्तर के कारण डूबने के खतरे में है। टुवालु का सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से महज 3 मीटर ऊपर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21वीं सदी के अंत तक ये देश समुन्दर में डूब सकता है। बहरहाल, फिजी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने टुवालु के लोगों को बसने का ऑफर दिया है लेकिन टुवालु की सरकार अपने देश को बचाने के लिए लड़ रही है। कैंपोंग लुआंग। कैंपोंग लुआंग कंबोडिया में एक तैरता हुआ गांव है जहां घर और अदर स्ट्रक्चर्स पानी पर बनी हुई हैं। यहां के लोग पानी के साथ जीने के लिए अपने जीवन को ढाल चुके हैं। वे मछली पकड़ने से लेकर नहाने तक सब कुछ पानी पर ही करते हैं। यहां के लोगों की लाइफस्टाइल कठिन है लेकिन उनका साहस और आत्मविश्वास काबिले तारीफ हैं। लॉन्गयियरबियन। लॉन्गयियरबियन नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में मौजूद हैं और ये दुनिया के सबसे उत्तरी शहरों में से एक हैं। यहाँ 4 महीने तक सूरज नहीं डूबता और अगले 4 महीने रात ही रहती हैं। पहले इस शहर को कोयला खनन के लिए बसाया गया था लेकिन अब ये साइंटिफिक रिसर्च और एडवेंचर टूरिज्म का सेंटर बन चुका है। यहाँ सिर्फ 2400 लोग रहते हैं जो 50 से अधिक देशों से आए हैं। इसके साथ ही यहाँ बिना वीजा के भी
लोग आ सकते हैं। मीरा का होटल। दोस्तों, मीरा का होटल कॉनराड मालदीव में मौजूद आर्किटेक्चर का अनोखा चमत्कार है, जहां एक बेडरूम समुन्दर के नीचे 5 मीटर की गहराई पर मौजूद है। यहां पर आए हुए गेस्ट मछलियों और मुर्गों से घिरे रहते हैं और ये एक कभी ना भूलने वाला पानी के नीचे का एक्सपीरियंस देता है। द रिएक्टर हाउस। रिएक्टर एक ऐसा घर है जो हवा और उसके निवासियों की एक्टिविटीज के अनुसार हिलता है। इस घर को आर्किटेक्ट्स एलेक्स श्वेडर और वार्ड शेली ने बनाया है। ये घर बैलेंस बनाए रखने के लिए इसके निवासियों के बीच अच्छी चीज मांगता है, यानी कि उनके वजह से ही घर का बैलेंस बना रह सकता है। बहरहाल, आर्किटेक्ट्स ने इस घर में 5 दिन बिताए ये दिखाने के लिए कि कैसे ह्यूमन रिलेशंस और सहयोग जरूरी होते हैं। हुआ कचीना वाइसिस। हुआ कचीना पेरू के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित एक नेचुरल वाइसिस है। यहाँ केवल 100 लोग रहते हैं, लेकिन ये जगह टूरिस्ट के बीच बहुत लोकप्रिय है। लोग यहाँ रेत की ढलानों पर सैंड बोर्डिंग और ड्यून बग्गी राइड्स का आनंद लेने आते हैं। हुआ कचीना एक छोटा लेकिन बहुत ही पीसफुल और रिफ्रेशिंग जगह है। कोलमा कैलिफोर्निया। दोस्तों, कोलमा कैलिफोर्निया को सिटी ऑफ सोल्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 1.5 मिलियन कब्रें हैं, लेकिन केवल 1,700 लोग रहते हैं। इस शहर की स्थापना 1924 में सैन फ्रांसिस्को में कब्रों के लिए जगह की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। आज कोलमा एक पीसफुल प्लेस है, जहां विजिटर्स अतीत को याद कर सकते हैं और इसकी कब्रिस्तानों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। लजाडा ट्रेन। चीन के चोंगकिंग में ट्रेन एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बीच से होकर गुजरती है। इंजीनियरों ने बिल्डिंग की 19वीं फ्लोर से ट्रैक का कंस्ट्रक्शन किया, जिससे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हुई और रेसिडेंट्स के लिए यात्रा आसान हो गई। आश्चर्यजनक रूप से ये ट्रेन केवल 75.8 डेसिबल की आवाज करती हैं, जो एक रेस्टोरेंट में होने वाली बातचीत के बराबर होती हैं। हैबिटेट 67। हैबिटेट 67 कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक अनोखा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 12 फ्लोर्स हैं। हर एक यूनिट में अपनी बालकनी होती है और बिल्डिंग्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि नेचुरल लाइट और हवा आ सके। हैबिटेट 67 को ऊंची बिल्डिंग्स में रहने का एक शानदार एग्जाम्पल माना जाता है। डेरिंगकुयू। दोस्तों, डेरिंगकुयू तुर्की का एक प्राचीन अंडरग्राउंड शहर है, जिसे लगभग 2000 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इस शहर में 18 फ्लोर्स हैं और यहां 20,000 लोग रह सकते थे। इसकी टनल्स, स्टोरेज साइट्स और कम्युनिटी स्पेसेस आज भी अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। आज ये एक म्यूजियम है जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यूरोस फ्लोटिंग आइलैंड्स। दोस्तों, साउथ अमेरिका में मौजूद टिटिकाका झील के यूरोस लोग अपनी पुरानी परंपराओं को निभाते हुए पूरी तरह से सरकंडे यानी रीड्स से अपने घर और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये सरकंडे ना सिर्फ तैरते हुए आइलैंड बनाने के लिए, बल्कि नावें, घर, मीनारें, स्कूल और अन्य चीजें बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इन आइलैंड्स पर जीवन आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की नमी सरकंडों को जल्दी सड़ा देती है, इसलिए इन्हें खासकर बारिश के मौसम में रेगुलरली बदलना पड़ता है। खैर, मॉडर्न रिसोर्सेस की कमी और नमी वाली हार्श कंडीशंस के बावजूद यूरोस लोग गर्व के साथ अपने सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं और अपनी परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नागोरो विलेज। आखिरी नंबर पर है नागोरो विलेज। जी हाँ, दरअसल जापान के नागोरो गांव की आबादी धीरे धीरे घटती जा रही है। गांव में कम होती आबादी के वजह से अकेलेपन को दूर करने के लिए आर्टिस्ट आयानो सुकीमी ने इंसानों जैसे बड़े बड़े पुतले बनाना शुरू किया। ये पुतले उन लोगों की जगह लेते हैं जो या तो इस दुनिया से जा चुके हैं
या गांव छोड़ चुके हैं। अब गांव में असली निवासियों से 10 गुना ज्यादा करीब 300 पुतले हैं, जिन्हें बस स्टॉप, स्कूल और खेतों में रखा गया है। कुछ लोगों को ये पुतले डरावने लग सकते हैं, लेकिन ये गांव की यादों को संजोए रखने का एक अनोखा प्रतीक बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।